ज्ञान यार, तू तो ज्ञान लग रहा है यार। Hey guys, welcome to my channel Cricket My Words. आज हम under 14 का टूर जा रहा है हमारा चंडीगढ़। ज्ञान, hello. And this is बता भाई, सब कुछ मैं ही बताऊं? कुछ बनी वाला? कुछ बननी बननी वाला? सर बनी। किसर? कैसे? किसर? किसर? अब फेस तो दिखा? ये शर्मा रहा है, ये शर्मा रहा है। लड़की शर्मा। विष्णु। कहाँ का? कहाँ का विष्णु? बनिया। यूपी? क्या कहना चाह रहा भाई? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ के विष्णु? कहाँ रहते हो आप? ओके ठीक है। हाँ, साकेब रचित राइट आर्म फास्ट बॉलर। बीच में मत बोलना। ये राव साहब कार्तिक राव। क्या करते हो आप? हाँ बॉलर, तेज बोलना। फास्ट बॉलर तो एग्रेसिव। ज्ञान के कारनामे, दिव्यांश का डांस, कुश की खुशी, खिजर का वार, विष्णु का, ये डायलॉग नहीं आया मेरे माइंड में, छोटी और तेज सरार गोली, विष्णु गोली, ताकतवर लेकिन दिमाग से उतने ही डाउन। ये विष्णु हमारे, और इन्होंने अब पहली बार अच्छा काम किया है। इतनी देर से ये पैकेट फूड खा रहे थे, बट अब ये एप्पल खा रहे हैं। कुछ बोलो, आवाज बंद। अबे यार, ये क्यान है। क्यान कुछ बोलिए, कुछ एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है अभी तक? तो अच्छा लग रहा है, होप करता हूँ अच्छे रन मारूं टूर्नामेंट में। ज्ञान है ठीक है जी। कुछ आई नहीं। ये है हमारे शरारती तत्व। हाँ जी, क्या हाल है? सर बढ़िया। तकलीफ? सर तो दिखा दो, सर दिखाओ अपना, हेड दिखाओ। अरे धूप थोड़ी आ रही है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, उतार दे। शिखर धवन। हाँ उतार दे, उतार दे। जरा भी पहन ले तो ये यहाँ पे और परेशान होगा। ये नाक से बोलता है जब थक जाता है। खिजर, खिजर कुछ बोल यार, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग क्यों रहा है ये बता। सर पहली बार जा रहा हूँ टूर पे। अच्छा इसलिए अच्छा लग रहा है। तो क्या सोचा टूर पे क्या मिलने वाला है? बाइक्स मिलेंगे। अब बोल। प्लेट नाली में जाकर लेट। आप बेटे भी। हाँ बोल। मोए मोए हो गया। अभी ये पार्लर में मेहंदी लगवा के आएंगे। हाँ मेहंदी लगवा के आएंगे दिव्यांशी। काम धंधा तो तेरे पास आई नहीं। कितने तैयार होंगे? मैं तो करवाने गया था पार्लर से। मैं बस इतना तो देख नहीं जाएगा। हाँ रहने रहने, मेरे फॉलोवर्स देख लेना क्या शो है। कितने? विष्णु के 1 मिलियन फॉलोवर है, पता है आपको? 200 फॉलोवर्स हो गए, पता? 200? ओ बेटे, 1K है, 1K। आ जा। इंस्टाग्राम भी कर लेगा। कितने? 20 से कम है, अकेला संभाल लूंगा। तो गाइस अभी हम आ गए हैं होटल के अंदर। तो अभी क्या हम डिनर करने जा रहे हैं और कल आपको सब कुछ दिखाएंगे मैच का लेकर। तो ये देखिए हमारे ओपनर ये ढीले पड़ गए हैं, इन्होंने डिनर नहीं किया। ओपनर मैं हूँ। चल तू वन डाउन जाइए कुछ की जगह कर। और यू भी और मैं और मैं और मैं बिहार को 11 नंबर बैटिंग कराएंगे कल। चलो कोई नहीं, नीचे से ओपन करूंगा। गॉड क्या बिल्ली है, क्या कहते हैं इसको? ये देखिए अब ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो गए, मैच के लिए जा रहे हैं। मैच का दिखाएंगे आपको हम बिल्कुल बढ़िया लेखा जोखा, जिसमें मोटे छोटे पतले सब सबकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इस टीम में विष्णु है, ये देखिए वेल्डिंग वाला चश्मा लगा रखा है। कहाँ कहाँ वेल्ड करेंगे बताइए, कहाँ करोगे? तो गाइस इसी के साथ हम ग्राउंड में आ गए हैं और सही है, बढ़िया आ रहा है। और ये दिव्यांश अजवानी, सारे हमारे टीम मेंबर्स इधर, विष्णु, ज्ञान। तो भाई तगड़ों के खेलना है ठीक है? आवाज नहीं आ रही? यस सर। कैसी आवाज आ रही? यस सर। सर यहाँ पे गंदा पानी, गंदा पानी, ठंडा पानी आ रहा है। आ रहा है, चालू भी ठीक है। कौन सी टीम है बेटा आपकी? सेंचुरी। सेंचुरी क्रिकेट।
तो गाइज ये सेंचुरी क्रिकेट अकेडमी है चंडीगढ़ की और हमारी यूआई से सब जानते हैं, तो इन दोनों टीमों के बीच में मैच है, टॉस होने जा रहा है। चलो बैटिंग फर्स्ट, तो यूआईसी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। शॉट, बढ़िया ड्राइव, बढ़िया ड्राइव और शानदार शॉट, चौका मिलेगा, बेहतरीन शॉट। तो गाइस ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है और विहान 50 पे खेल रहे हैं और अब कुछ अभी भी आउट हुए हैं, तो अच्छा स्कोर है 15 ओवर में 100 रन है यूआईसी के, तो कोशिश रहेगी 240-250 तक पहुंचे ताकि एक सम्मानजनक स्कोर रहेगा इस विकेट के अकॉर्डिंग, ग्राउंड के अकॉर्डिंग, ताकि हमारे बॉलर्स इसको अच्छे से डिफेंड कर पाए, ज़्यादा उनको कोशिश ना करनी पड़े दूसरी टीम के अगेंस्ट। बट अभी देखते हैं, क्रिकेट है, कुछ पॉसिबल है, अब अच्छे देखते कैसा खेलते, तो हम आपको सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। तो गाइज अभी 230 रन बनाए हैं 39.2 ओवर्स के अंदर, ऑल आउट हो गए हैं, जिसमें कियान ने बनाए 79, कियान ने बनाए 38। अभी ये बना सकते थे बट थक गए भी थे और शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा हो रहा था, थोड़ा मेहनत करनी है बट अच्छा खेले, वेल डन। और उसके साथ दिव्यांश ने बनाए 40 रन्स और बाकी बच्चे अभी टिक नहीं पाए, अब इनकी बॉलिंग दिखाएंगे और देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं। और ये हमारे, इन्होंने बढ़िया, इन्होंने 5 बॉल खेली लेकिन 5 बॉल में ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी की, ओवर दी कवर मारा, लेग स्पिनर को विद द स्पिन ड्राइव मारा, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। 5 बॉल खेली लेकिन अच्छा लगा कि हाँ बैटिंग मारा, वेरी गुड, शाबाश। देखो 230 का टारगेट है आई थिंक उनके लिए, है ना, तो जितने भी बॉलर्स हैं जगह पे बॉल डालना और फील्डिंग में बोल के रहना। और आपको भी पता है मेरे को फील्डर सर्च करने, मुझे फील्डर बनाने हैं कि फील्डर जो अच्छे होंगे वो अच्छे क्रिकेटर बनेंगे, तो उसके लिए मैंने ओखले रखा हुआ है, ठीक है, जो 10 से 12 हज़ार का है, तो उसके खातिर भी एफर्ट मारोगे तो उस लालच के चक्कर में कई बार आप फील्डिंग में एफर्ट डालना सीख जाओगे, तो ठीक है, तगड़ों के फील्डिंग करनी है, तगड़ों के बॉल डालनी है, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक से भागो, तेज भागो। कैसा लग रहा है मैच हार गए? भाई एक क्रिकेटर के लिए ना क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं है, और क्रिकेट जब भी खेलोगे जब टाइम पे सोगे, टाइम पे जगोगे, प्लानिंग होगी, क्या प्लानिंग थी मैच की, इतनी दूर आए हो मैच खेलने आए हो ना, किस लिए आए हो, पिकनिक पे तो घर वालों के साथ भी जाते हो, जाते नहीं जाते क्या, किसी ने प्लानिंग की, एक भी प्लेयर मुझे बता दो, किसी ने सोचा कल मैच में क्या करना, कुछ नहीं सोचा, तो क्या करोगे ग्राउंड में, ये शुरू में दो ओवर ढीले फेंक गया, ये ढीले फेंक गया, हमने सोचा पेसर हटाएंगे, स्पिनर कुछ दबाव बनाएंगे, इन्होंने और रिलीज़ कर दिया, अब जैसे बाद में बॉल डाली तुम लोगों ने, अगर शुरू में ऐसे डालते पकड़ के चलते तो मैच बनता ना, बना रखा है क्रिकेट का, बड़े छोटे से कुछ नहीं था, बड़े बड़े करो अगर तुम डिसिप्लिन में खेलते ना इनको भी हराते, पहले बैटिंग में कैजुअल हो गए, इतना अच्छा स्टार्ट मिला जहाँ 270-60 रन बनने चाहिए थे वहाँ 230 बने, फिर बैटिंग फील्डिंग में बॉलिंग में कोई ध्यान ही नहीं है, कितने हाथों के नीचे चौके दिए, कितनी कैचें छोड़ी हैं, यार ऐसे थोड़ी क्रिकेट खेली जाती है। तूने भी कार्तिक पता क्या, नई बॉल से तो डालता नहीं, पुरानी से अच्छी डालता है, क्या है कि नई बॉल से बॉलर अगर रन दे देगा ना दोनों तरफ से तो फिर आदमी सेट हो जाता है, और नई बॉल से जगह पे डाल दी, स्विंग होता है, हर चीज़ होती है, किसी भी अच्छे, कोई भी अच्छे से अच्छा बैट्समैन फंस जाता है अगर आप जगह पे डालो और स्विंग हो रही है अगर आपकी बॉल, बट है ही नहीं, हेमंत ने सिर्फ ठीक बॉल डाला है पकड़ के, इसके अलावा किसी ने कंसिस्टेंट बॉल नहीं डाली, इसने स्टार्टिंग के दो ओवर बड़े हल्के डाले हैं, तो टीम का माहौल ही नहीं बनता। भाई क्रिकेट है ना मोमेंटम का खेल है, ठीक है, अगर मोमेंटम जिस टीम की तरफ चला गया ना वो टीम डोमिनेट कर लेती है, और जब भी तो ना जो अच्छी टीम होती है मैच छोड़ती नहीं है कैसी सिचुएशन हो, अगर वो एक तरफा भी चल रही है ना उसको ख़त्म करती है, सामने वाले को किल कर देती है कि 5 आउट कर दिए 70 पे 100 में पैक करो, ऐसे ही ढीले पड़ गए फिर 200 भी बन जाते हैं। अब जैसे हमारे सही चल रहे थे रन, ये वियान खेल रहा था और ये कुछ खेल रहा था, बढ़िया चल रहा था, ऐसे में इनको किल करना था लेकिन ये आउट हुआ, फिर इसके बाद कियान गया, कियान खेला फिर ये आउट हो गया, मतलब उसके बाद पार्टनरशिप ही नहीं बनी जो, और ये भी जल्दबाजी कर गया, दिमाग ही नहीं लगाते। भाई देखो पता क्या है, तुम इतनी दूर आए हो ना सीखने आए हो, सीखो, देखो तुम्हारी एज में मस्ती भी होगी, मौज भी होगी, हर चीज़ होगी, लेकिन क्या खेलने के टाइम खेलना और अपना मैच है एक दिन थोड़ा सा, तो कितना टाइम लगता है 15-20 मिनट अगर आदमी एक क्रिकेटर सोने से पहले अपने बारे में सोच ले जो उसकी गेम है कि यार कल इस माइंडसेट के साथ खेलना है, जीतने के लिए खेलना है, हर एक दूसरे को बैक करो, आपस में लड़ते रहते हो, तेरे को किसी की चीज़ बर्दाश्त नहीं है,
तू ऐसे क्रिकेट पढ़ाई तेरे को पता करने के लिए क्यों कहता हूँ मैं, तेरे माइंड में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, सुन नहीं सकता अगर दिक्कत आ रही है सर वो मुझसे ऐसे बात कर रहा है, ये होता है डिसिप्लिन। बस नहीं चला लड़ने लग जाए डेली और ऐसा एटीट्यूड रहेगा ना तो गेम में ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर प्लेयर बनना है ना तो सिंपल रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर कोई गलत भी कर रहा है आपके साथ तो आपको एक्शन नहीं लेने, आप सिर्फ खेलने आए हैं और कुछ करने आए नहीं। गलत लग रहा है सर ये बंदा ये गलती कर रहा है मेरे साथ, मुझे परेशान कर रहा है, ये होती है अच्छे बच्चे की पहचान। तो ये चीज़ें सुधारो। और आज मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, खाओगे पियोगे आराम से, थोड़ी देर में मीटिंग करूँगा 5-10 मिनट, उसके बाद सो जाओगे। मेरा काम मुझे पता है मेरे को क्या करना है। जो बच्चा रेगुलर रहेगा ना और जो लगा रहेगा उसको आज नहीं तो कल भरपूर चीज़ मिलेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से। लेकिन मैं भी तो देखूँ किस बच्चे में कितना पेशेंस है, वही मुझे वो बच्चा चाहिए जिसमें पेशेंस है वही प्लेयर बनेगा। और जो रेगुलर रहेगा हमें पता है, ठीक है आज बच्चा अच्छा नहीं कर रहा बट हमें पता है हमारे साथ जुड़ा ना और थोड़ा भी इम्प्रूव करेगा हम उसको बहुत साथ देंगे। अब क्या पेशेंस नहीं होता, 2 मैचों के बॉलिंग नहीं आई, 2 मैचों के बैटिंग नहीं आई, अरे सर को पता क्या करना, मैच खेलना है हमें, जीतना भी है मैच। भूख कैसे आएगी जब चीज़ें मिलती नहीं है, खेल यही है। जब आपको चीज़ें नहीं मिल रही तो आपको लगना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं मिल रही, मुझे मेहनत करनी है। हमारा सब पे ध्यान है, हमें ग्राउंड के अंदर ना एक प्लेयर के अंदर एक इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैं सारी इन्वॉल्वमेंट देखता हूँ हर बच्चे में, मैं बैटिंग बॉलिंग नहीं देखता इतनी जितनी मैं देखता हूँ फील्डिंग में कितना एक्टिव है, कितना बोल रहा है, कितना टीम को लेके चल रहा है। अगर ऐसी चीज़ होती है तो बैटिंग भी होती है बॉलिंग भी होती है, भाई खिजर है ढीला पड़ा हुआ है ग्राउंड में, अरे बोला कर भाई, बॉल निकल जाती है उसके बाद रिएक्ट कर रहा है, अरे पहले से सोचना बॉल मेरे पास आएगी, एकदम से बॉडी झुका भाई, जी जान लगानी पड़ती है ग्राउंड में कुछ करना है। बॉल छूटे परफॉर्मेंस हो ना हो अलग चीज़ है, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है। अगर लेकिन आपका प्रोसेस ठीक नहीं है, आप एफर्ट नहीं डाल रहे तो बहुत गलत है, तो मतलब आप टाइम पास करने ग्राउंड में उतरे हो। आदमी अगर एफर्ट डाले ना, एफर्ट आज फेल हो रहा है कल फेल हो रहा है, ऐसा सक्सेस होता है, ऐसी उसकी चीज़ें ट्रैक पे आती हैं, वो बहुत अच्छा भी करता है क्योंकि वो दम से मेहनत कर रहा है। विराट कोहली हो चाहे कोई हो, चाहे मैंने अपनी लाइफ में क्रिकेट खेले एक्सपेक्टेड, कोई भी प्लेयर पैदा होते कोई स्टार नहीं था, जो प्लेयर ऊपर खेल रहे ना जिनकी स्किल अच्छी थी वो फेल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, शुरू में हुए लेकिन उनका क्या था कि लग के खेलते थे, हार रहे हैं फेल हो रहे कैच छोड़ रहे, ये इंटेंट था अगली पकड़नी है, अगले मैच में 100 बनाना, अगला मैच जिताऊंगा। एक प्लेयर को चाहिए कि वो ये सोचे कि इंडिविजुअल कि मेरे को मैच जिताना है। अगर 11 के 11 प्लेयर ऐसे सोचे तो टीम मैच नहीं हार सकती, अगर थोड़े भी टैलेंटेड बच्चे हैं। अब क्या हमारे वाले तो सोचते ही नहीं, सोचा आज कि मैं मैच जिताऊंगा, सोचा सिर्फ खेलने से मतलब है, कभी लिया अपने ऊपर, सिर्फ खेल रहे हो, खेल तो सब रहे हैं, ये तुमसे मैच है ये भी खेल रहे हैं, 10 मैच और चल रहे होंगे, इधर दिल्ली में चल रहे होंगे 500 मैच। जब तक ये नहीं सोचोगे ना मैं अपनी टीम का हिस्सा हूँ, ये जिस टीम से मैं खेल रहा हूँ वो मैच टीम हारनी चाहिए, चाहे कुछ करना पड़ जाए, फील्डिंग से घबराते, यहाँ जितना रहोगे इन्वॉल्व रहोगे तभी तो खेलोगे, तभी तो सीखोगे। सीरियस रहो, जो काम करना चाहते हो उसको दिल से करो, शिद्दत से करो, तो काम भी अच्छा होगा और तुम्हें कुछ समय बाद मज़ा भी आएगा। मज़ा तो जब ही आएगा ना अच्छा होगा, और अच्छा जब ही होगा जब आप अभी से सोचोगे कि यार मुझे करना है, मुझे करना है। घर वाले तो पैसे खर्च करते रहते, तुम क्या कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। सारे अपने अपनी एक टीम गेम है, अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो टीम दिखेगी, कोई टीम खेल रही है, हार रहे कोई बात नहीं, टीम दो टीम एफर्ट कर रही है तो हारने का अंतर भी बड़ा कम होता है, एक तरफा मैच नहीं होता। कभी भी देखना तुम जब अच्छा मैच होता है क्रिकेट में भी किसी भी लेवल पर, होता नहीं होता जब दो तगड़ी टीम खेलती है तो हारने का अंतर कितना क्लोज होता है, तो वो क्रिकेट चाहिए मुझे आपसे। अब ये थोड़ी मैं डंडा दे रहा हूँ, मैं डरा रहा हूँ, मैं तुम्हें रनिंग कराऊंगा, तुम बोलना चालू करो, उससे पहले तुम ढीला खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे नहीं खेल रहे थे, उसके बाद भी तुम जब फेज आखिरी में आया जब 40 एक रन चाहिए तो भी कुछ बच्चों ने जो चांस आए वो पकड़े नहीं, ढीले पड़ गए, हर बार याद दिलाना पड़ रहा है। वो क्रिकेटर नहीं जिसे मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि भाई एफर्ट कर लो एफर्ट करो, भाई आप अंदर से आना चाहिए, मैं कब तक याद दिलाऊंगा, आपके अंदर से नहीं आएगा तो क्या करोगे। थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज कर अगर कुछ करना है, सिंपल रख चीज़ों को, गेम में ध्यान दें, मुझे अच्छा कैसे करना है। लड़ाई तो बहुत आसान खेल है, एक्शन जहाँ लेने चाहिए वहाँ तो एक्शन लेते नहीं, फालतू की चीज़ों में एक्शन ले रहे हो तुम लोग, समझा रहा हूँ ना, उसको समझ जाओगे तो फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। सीखना है हो तो सीख के जाओ कुछ ना कुछ यहाँ से, तभी कुछ होगा। गाइस आज क्या हुआ, मैच हारे, बट क्या था ना, मैच हारना जीतना तो पार्ट ऑफ गेम है, मेन चीज़ क्या होती है कि इसके पीछे क्या चीज़ें थी जिससे हम मैच हारे। काफ़ी चीज़ें की फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें हमारा फोकस लैक होता है, जैसे इन बच्चों का भी हुआ है। तो यही है कि आप जितना लर्न करेंगे, गलती हर बच्चा करता है, हर प्लेयर करता है, बट जो चीज़ें आपके हाथ में है अगर वो आप सही से करते हैं तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना वो भी ठीक होने लगेंगी कुछ दिनों बाद। लेकिन वही है कि करने की बात है, हम तो समझा सकते हैं और होप यही करते हैं कि जो भी बच्चा हमारी बातें सुनता है, वीडियो में देखता है,
थोड़ा भी समझेगा तो उसका उसका फ़ायदा होगा, वरना मेरा तो क्या है कि यार मैच कराया हम जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। बट जो मैं आजकल बच्चों को समझाता हूँ, वीडियो में भी इसलिए लाता हूँ कि काफ़ी क्रिकेटर्स हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, कि उन तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे, उन तक भी ये बातें पहुँचे, ताकि कुछ ना कुछ हर एक क्रिकेटर को ऐसा सीखने को मिले जो कि उनकी लाइफ में काम आए और उनकी आगे की जर्नी और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। ओए बिल्ली कहाँ है, इसको इसको देना, देबू को दे, देबू को दे, देबू को दे, दे 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 दे, ओए 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 ओए, देबू ओए देबू ओए देबू देबू देबू, रचित रचित रचित, ओए मोड़ गिरा पकड़ ले क्या ज्ञान बहुत बढ़िया बैटिंग की 30 ओवर में 209 रन बनाए, जिसमें 41 नॉट आउट युवराज ने बना और एक स्कूप शॉट मारा लास्ट बॉल पे 4 रन के लिए। साकिब ने बढ़िया शॉट मारा ओवर दी कवर, 11 रन नॉट आउट, बहुत बढ़िया। वियान ने 35 रन का योगदान दिया, 18 रन का कुछ ने बनाया, 38, वेरी गुड। और अब देखते हैं लोग कैसे डिफेंड करते हैं। क्या ने 15 रन का योगदान दिया, छोटी पारी बस, बट उसको बड़ा नहीं कर पाया। खिजर ने बैटिंग तो ठीक की, बट क्या है खिजर बहुत ज्यादा डरता है शॉटे मारने से, फुल टॉस बॉल भी डिफेंस कर देता है, तो ये चीज समझनी है। खुल के खेलेगा तो फिर चीजें अच्छी हो जाएंगी, एक बार परफॉर्मेंस होगी ना फिर खुल जाएगा। हाँ बेटे ये कर गिरी किधर आ चला 500 की स्पीड में, टोक मत दियो, ये चला तेज तेज लग रहा तुम, बिल्कुल सही शूट, बहुत बढ़िया। ओए रहन दे, ओए वो देख रहे चलान कट जाएगा। फोटो खींच लो यार, बोल रहे तेल है बैटिंग करेंगे, बढ़िया बढ़िया शॉट। स्ट्राइक पे बॉलिंग पे कौन है, विक्रांत, विक्रांत बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं, मनदीप सिंह, ओहो बढ़िया फुल लेंथ बॉल,